हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनूप। तो दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, या स्कैनर हो, या कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस ले लो, अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसका स्पेसिफिक जो ड्राइवर होता है वो अपडेट ही ना हो, या हो सकता है कि इंस्टॉल ही ना हो। तो दोस्तों, ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है, या फिर अपडेट है या नहीं है? तो आज का जो ये वीडियो हमारा है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एक फ्री टूल्स का यूज करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कैसे आपका कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है, या यूं कहें अपडेट है या नहीं है। और पता ही नहीं, आप पता लगा के ऑटोमेटिक इसको अपडेट या इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सिस्टम के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस, और समझते हैं कि ये कैसे हम मुमकिन कर पाएंगे और कैसे हम अपने ड्राइवर को इंस्टॉल कर पाएंगे या अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए चलते हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पे। लेट्स गो। दोस्तों, यहाँ पे उस टूल्स का नाम है स्नैपी ड्राइवर। तो इसके लिए हमें अपने गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा स्नैपी ड्राइवर्स डाउनलोड। तो ये टाइप करके आपको एंटर प्रेस कर देना है, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा वो सबसे फर्स्ट में आपको शो होगा। तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है सिंपली, और क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आएगा सामने खुल के। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो डाउनलोड है हमारा, डाउनलोड ऑप्शन, तो इस पर आपको दिख रहा होगा विंडो 2K XP विस्टा और 7 से लेकर विंडो 11 तक का सपोर्ट है इसमें, और सारे लेटेस्ट ड्राइवर इसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपके लिए कोई भी विंडो हो, कोई भी सिस्टम हो, या कोई भी वर्जन हो, सिस्टम हो, वो सपोर्ट कर जाएगा इस पर। तो आपको सिंपली इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ दो दो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। एक आ रहा है HDI फुल और दूसरा आ रहा है ड्राइवर पैक ऑनलाइन। तो इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये HDI फुल का मतलब जो है, इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप ये फुल पैक ऑफलाइन डाउनलोड होगा, और ये आप देख सकते हैं साइज इसका 34 GB है। तो ये 34 GB में डाउनलोड होगा, तो आप इसको डाउनलोड करके पेन ड्राइव में रख सकते हैं और किसी भी सिस्टम में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं लगा के, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, वो आपका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा इससे। तो इसके लिए आपको फुल पैक डाउनलोड करना पड़ेगा अगर ऑफलाइन आप इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर कहीं पे इंटरनेट का ऑप्शन नहीं हो और आप इसको ऑफलाइन इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप HDI फुल पैक को डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। तो अब हम यहाँ बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, ड्राइवर पैक ऑनलाइन। तो ये हमारा तब काम आता है जब हम डायरेक्ट इसी PC पे हमें ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि अगर हमें ऑनलाइन ही इंस्टॉल करना है और हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है, तो हम यहां से डायरेक्ट अपने इसी सिस्टम को, अगर सेम इसी सिस्टम में अपडेट करना है ड्राइवर को, तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली हम डाउनलोड पर क्लिक करके हम ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नीचे एक मिरर का एक और ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो हम मिरर पर क्लिक करके और भी दो चार लिंक जो होंगे वो हमें दिख जाएगा कि हमें डाउनलोड करने के लिए और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप किसी पे भी एक पे क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ मैं मेजर ग्रिक से डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये साइट मेरा खुल के सामने आ जाएगा। तो इस पे डाउनलोड नाउ का एक ऑप्शन आएगा, तो इस पे क्लिक कर दूँगा तो फिर ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के लिए शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है और मेरा डाउनलोड, ये जो दिखा रहा है एरर, ये मेरा पहले से ही डाउनलोड है। तो ये पूछ रहा है डुप्लीकेट और ओवरराइट करने के लिए, तो मैं इस पर ओके कर दूँगा और स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक, और ये मेरा ऑफलाइन डाउनलोड, वो ऑफलाइन है ये सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, 5 MB या 6 MB का है मुश्किल से। तो ये जिप फाइल में डाउनलोड, तो जिप फाइल को हम यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जिप फाइल पे राइट क्लिक करके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये सेम फोल्डर में मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मेरा फोल्डर खुल गया है। तो अब इसी फोल्डर में हमारा सेटअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32 बिट का भी सेटअप है इसमें और 64 बिट का भी है। तो मेरा सिस्टम 64 बिट को सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ पे 64 बिट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल के सामने आता है, तीन ऑप्शन। तो यहाँ पहला जो है डाउनलोड ऑल ड्राइवर पैक, तो ये इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सेम हमें ये HDI फुल वाले पे लेके जाएगा।
तो SDI फुल का जो फीचर्स है कि ऑफलाइन डाउनलोड होता है, तो ये ऑफलाइन वाला है तो इसको हमें अभी नहीं करना है। और ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड नेटवर्क ड्राइवर्स ओनली, तो ये केवल नेटवर्क से रिलेटेड जो भी ड्राइवर हैं, लैन हो गया, वैन हो गया या वाईफाई का हो गया, ये सब इससे अपडेट होगा। और थर्ड वाला जो है हमारा डाउनलोड इंडेक्स ओनली, तो ये हमारे इस PC के लिए अलाउ करेगा। हमारा जो ये PC है जिस पर हमने ये सेटअप अभी रन किया है, तो इस पर ये स्कैन करेगा कि इसके लिए कौन सा ड्राइवर ज़रूरी है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा ये ड्राइवर सर्च करेगा इसमें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो ये अब आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर है कि ये कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अब मेरा बस डाउनलोड होने ही वाला है कंप्लीट। तो ये देखिए, जब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब इस पर हमें क्लिक करना है तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड होने के बाद हमें देखना होगा कि हमें कौन सा ड्राइवर अपने सिस्टम के लिए अपडेट करना है और कौन सा नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो भी ड्राइवर दिक्कत कर रहा हो आपको बस उसी को इंस्टॉल करना है। अगर कोई ड्राइवर दिक्कत नहीं कर रहा है तो आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ड्राइवर इसमें दिख रहे हैं मेरे सिस्टम से रिगार्डिंग। तो अब मुझे यहाँ पे जिस भी सॉफ्टवेयर की या ड्राइवर की ज़रूरत है यहाँ पे मेरे सिस्टम के लिए, उस पर मैं क्लिक करके और इंस्टॉल कर लूँगा, तो जो भी मेरे ड्राइवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, क्रिएट रीस्टोर पॉइंट, इस पर आप क्लिक जरूर कर लेना ताकि बाद में अगर कोई दिक्कत हो या ड्राइवर सपोर्ट ना करे या कुछ मिसबिहेव करे तो आप अपने रीस्टोर पॉइंट से आप सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं वापस से। तो इस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको, मेरे सिस्टम में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक कोई ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं एक ड्राइवर को सेलेक्ट कर लेता हूं अभी, वो मास स्टोरेज वाला। तो इस पर क्लिक करके मैं यहां ऊपर सिंपली इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कर लूँगा तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे मैंने क्लिक कर दिया है इंस्टॉल वाले पे, तो देखिए अब मेरा यहां इंस्टॉल होना शुरू हो गया है और ये डाउनलोड हो रहा है ड्राइवर वो मेरे सिस्टम में। तो इसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट होना ज़रूरी है, अगर किसी भी सिस्टम पर डायरेक्ट ऑनलाइन आप ड्राइवर को अपडेट कर रहे हो तो, नहीं तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखिए मेरा ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है और डाउनलोड होते ही अपने आप ये इंस्टॉल भी होने लगेगा। तो देखिए ये ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अभी मेरा स्टेबल है, ठीक ठाक है। ये लगभग 77 MB का सेटअप है। देखिए मेरा अपडेट डाउनलोड हो गया है तो ये अवेलेबल करके आ रहा है। तो अब ये इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ गया है मेरा, तो अब इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये इंस्टॉलेशन प्रक्रिया अब आपकी देखिए शुरू हो गई है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब ये इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है वो अब लगभग ख़त्म हो गई। देखिए ये ऑरेंज कलर में शो कर गया, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा आपका ड्राइवर। तो यही था मेरा आज का टूल्स जिससे आप अपने किसी भी सिस्टम का ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर अपडेट कर पाएंगे ईजिली बिना कोई दिक्कत की। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।